पेरिस। सिर्फ एक शहर नहीं, ये मेरे और मेरे कैमरा का लव अफेयर है। एक ऐसा शहर जिसके रंगों को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। और आज मैं इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरी खींची हुई द्वारका की तस्वीर को यहाँ पेरिस में अवार्ड मिलने वाला है। Ladies and gentlemen, please welcome photography genius Darsh Rawal. मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा, मुझे नहीं पता था ये लेडीज वॉशरूम है। ए रुक, कहाँ जा रहा है? हे, कहाँ भाग रहा है? गोरी लड़की देखकर लाल टपकाने से पहले नहीं सोचा था हु? मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ और मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को घूरा भी नहीं है। लड़की गोरी हो या सावली, मैं उसे देख ही नहीं सकता। मिस्टर दर्श रावल, प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर दर्श रावल, तुम ब्लडी इंडियंस कभी नहीं सुधर सकते। I'm sorry, लेकिन अभी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। फोटोग्राफर? That means he's blind. ये देख नहीं सकता। May I assist you? There's a step ahead. Thank you. Welcome. Thank you. Please share your experience with us. हम उतने अंधे होते हैं जितना हम अपने आप को होने देते हैं। थैंकफुली मैं अपने मन की आंखों से वो सब देख लेता हूँ जो चश्मे ये पीछे वाली दो आंखों से नहीं देख पाता। Is he blind? No, baby, he's not blind. और वैसे भी दुनिया में जो खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं मन की जरूरत होती है। और ये मैंने अपने इंस्पिरेशन यन त्रेहान से सीखा है। यन त्रेहान वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस ब्लाइंड फोटोग्राफर। वैसे अगर मैं सेकंड मोस्ट फेमस भी हो जाऊं ना तो आई वुडंट माइंड दैट। I won't complain. Thank you so much. Merci beaucoup. He's making us fool. नहीं तो ऐसा अंधा आदमी इतनी अच्छी फोटोग्राफी कैसे कर सकता है? ये पूरे पेरिस को फूल बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। अब अपनी फोटोग्राफ को डिस्ट्रॉय होते देखेगा तो अंधेपन का सारा नाटक भूल जाएगा। कहा था ना ये फ्रॉड है। अगर फ्रॉड होता तो पहले तुमसे मार नहीं खाता। मैंने पहले कुछ नहीं कहा तुम्हें क्योंकि गलती मेरी थी, लेकिन अब माय फ्रेंड गलती तुम्हारी है। सो यू नो मार कौन खाएगा? प्लीज लीव हिम, प्लीज प्लीज। अगर हमारे देश की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कम से कम इंसल्ट तो मत करो यार। जिस शहर की फोटोग्राफ को तुम डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे ना, वो शहर मेरे दिल में बसता है। वो द्वारका है, वो द्वारका जहां मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, वो द्वारका जिसे देखने के लिए मुझे कभी इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। तू भी नौका में बैठेगी? तेरे तो बड़े ही मजे हो गए। तेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए द्वारका जा रहे ना? अरे हाँ मेरी बा, तेरी छोटी बेटी को छोड़कर थोड़े ही ना जाएंगे? अजी रह कहाँ गई? अरे ओ नंदिनी, अरे ओ नंदिनी, अरे ओ नंदिनी।
अच्छे डिंगली, मैं हूँ ने। इतने सालों की प्रार्थना के बाद बिग बेन की शादी हो रही है, तुझे लगता है मैं कुछ भी गड़बड़ होने दूंगी? वैसे ओसम हाँ नहीं कहे, आज तो माँ बेटियों से भी ज्यादा सच सच के आई है, क्या बात है। अरे अभी तक सामान नहीं रखा। अरे आ भी जाओ, पता लो। इसे देख के लगेगा कि ये लड़की बचपन में ही अनाथ हो गई। उत्साह तो जो छोकरी नो, दिंगली को ही माँ मान लिया है और उसकी ममता की आड़ में ही दोनों बहनें खुश रहती है। मैंने सुना है कि दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन आज इस नौका में बैठकर अपने ससुराल द्वारका जा रही है। अरे ओ नंदिनी, अब ये बता, अपनी बिग बहन का कन्यादान इस दिंगली से ही करवाएगी क्या? हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? हवे जो मेरी बाग गाये, और गाय तो भगवान का रूप होती है ने, इतने मेरी बिग बेन का कन्यादान भगवान के हाथों हो आ तो ओसम थाई क्यों। अरे मैं भी क्या बातों में लग गई, मैं अपने साथ घर के बुजुर्ग को लाई हूँ, अभी उनको विराजमान तो करने दो। हे मारो द्वारका नोना। बोलो द्वारकाधीशनी। अरे नंदिनी देखो तो, तेरी डिंगली की फोटो छपी है पेपर में। ओ माड़ी, सुपाचे मेरी डिंगली का फोटो। हाय कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी डिंगली। ऐसा लगता है इस फोटो खींचने वाले ने इस पल को आंखों से नहीं दिल से देखा हो। कानूड़ा, इस फोटो खींचने वाले से मिलाना जरूर, पक्का। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।